किसान भाइयों, पशु मेला जो चरखी दादरी हरियाणा में 3 दिन लगने जा रहा है, आज पहला दिन है। इस किसान मेले में सबसे जो दमदार चीज है वो ये घोड़ा है, और इसको बेचना भी नहीं निकाला इन्होंने। केवल इनका कहना है कि अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन पिछला जो भिवानी में मेला लगा था वहां पर इसकी कीमत लगी थी 2 करोड़ के ऊपर ही। तो 2 करोड़ से ऊपर का ये घोड़ा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। कौन सी नस्ल का, क्या इसकी खासियत है, ये इसको बेच क्यों नहीं रहे, कहाँ से है, पूरी जानकारी आपको देंगे। सर, आपका स्वागत है डियर किसान पर। सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, इस घोड़े को कहाँ से लेकर आए हैं और यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? आपका भी स्वागत है। ये गांव कारी मेला इंदौखला धाम तहसील बारडा, ठीक है। ये डेरे का घोड़ा है जी, ठीक है, बाबा जी का। 8-7 गांव की धोख लगती है वहां पर, और ये पिछली बार दफा फर्स्ट आया था भिवानी। अच्छा, भिवानी में फर्स्ट आया था, वहां पर इसकी बोली लगवाई थी आपने? ना, वैसे ही कोई शौक रखने वाला था। अच्छा, कितनी कीमत लगाई इसकी वैसे उसने? उसने 2 करोड़ रुपए लगाए। 2 करोड़ रुपए इसके लगाए थे, लेकिन फिर इसको मतलब शौक के लिए ही रखा है? हाँ, शौक के लिए, ठीक है। मान्यता है डेरे की, डेरे की मान्यता, और डेरे के अंदर शौक के लिए इसको रखा हुआ कि लोग इसको देख सकते हैं। इसके अलावा मतलब प्योर लाइन का प्योर ब्रीडिंग है? हाँ, प्योर प्योर नुकरा नस्ल का है जी। नुकरा नस्ल, मंगल नाम है इसका जी, मंगल नाम। बेच आप नहीं रहे इसको, लेकिन अगर कोई किसान भाई या फिर कोई फार्मर पशुपालक भाई जिसके पास घोड़ियां है वो क्रॉस करवाना चाहे, क्रॉस करवा सकता है जी। क्रॉस करवा सकते हो ब्रीडिंग के लिए? क्या रेट लगते हैं? कोई रेट कौन लगाओ जी, बाबा जी। हाँ, फरी फारी तो कहते थे, कोई जो भी फरी करवा के, जो भी आपके मन से जितनी आपकी श्रद्धा हो दे सकता है, तो आप क्रॉस करवा सकते हो, लेकिन ये बेचने के लिए नहीं है, दिखाने के लिए।